अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूडोलिक फर्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो है ईद स्पेशल मटन कोरमा। ये झटपट बनने वाला प्रेशर कुकर कोरमा है, तो आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने रिब्स और सीने के पीसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो ये 750 ग्राम्स मटन है, जिसे मैंने एक चम्मच नमक, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और दो बड़े चम्मच दही में 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे स्लाइस करके हमने बिरिस्ता बना लिया है। और इसके मसाले बनाने के लिए हम भूनेंगे 4 सूखी मिर्चें। इसमें साथ में हम डालेंगे 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 काजू। इन मसालों को हम धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सर में डाल के पाउडर पीस लेंगे। जब ये हमारा पाउडर बन जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब जिस तेल में हमने बिरिस्ता बनाया था प्याज का, मैंने उसी तेल का इस्तेमाल किया है। ये 1/2 कप तेल में मैंने यहाँ डाला है 1/2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 तेज़पत्ता और 6 से 8 काली मिर्चें। इन्हें ज़रा चटकने दें और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें यह मैरिनेट किया हुआ मटन। ये मटन को मैंने 2 घंटा मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखा था और यूज़ करने के पहले 1/2 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। इस मटन को हम तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए और इसका रंग ना बदल जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए गोश्त का पूरा पानी सूख चुका है। अब इसमें हम साथ में डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने यहाँ लिया है 1/2 बड़ा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम या स्लो कर देना है, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है। मसाले भूनते वक्त ध्यान दें कि ये मसाला जले नहीं। अगर ये मसाला जल जाएगा तो हमारे कोरमे में एक कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये हमारे सूखे मसाले जो हैं गोश्त के साथ भून चुके हैं। अब इसमें आगे हमने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है। ये मेरा होममेड पेस्ट है। इसे बना के स्टोर करने का तरीका जो है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने फिर से गोश्त को भूनना है धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक। ध्यान रहे, जैसे मैंने कहा था, इसे चलाते रहे, वरना हमारे मसाले लग जाएंगे तो कोरमा हमारा कड़वा लगेगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग इसे भून लेंगे। जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटर और हमारे बनाए हुए कोरमा मसाले की पेस्ट। ये पेस्ट को भी हमने लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर भूनना है, जब तक कि हमारे मसाले पानी ना छोड़ दे और पूरी तरीके से पक ना जाए। मसालों को मध्यम से धीमी आंच पर ही भूनें, ताकि ये मसाले पूरी तरीके से पक जाए और इनमें जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये हमारा जो मसाला है वो बहुत ही बढ़िया भुन के तैयार हो गया है और इसका रंग भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास गर्म पानी। याद रखिएगा, ठंडा पानी गर्म गोश्त में बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो गोश्त ऐंठ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ये पानी डाल दिया है। अब इसमें आगे हम डालेंगे जो हमने बिरिस्ता बना के रखा था, इसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है। ये बिरिस्ता इसमें पड़ेगा और इसमें चाहें तो आप 2 से 3 चम्मच पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज डालने के बाद जो हमारा कोरमा की ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला था, तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच नमक और ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी ये 2 बड़े चम्मच गर्म पानी, ताकि हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी होके नीचे चिपके ना। और बस अब हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है
और मध्यम आंच पर 5 से 6 सीटी लेते हुए इसे गोश्त को गला लेना है। आप अपने गोश्त के पकाने का टाइम गोश्त की क्वालिटी पे अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि कई बार गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और कई बार टाइम लेता है। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी दी है, तो ये मेरा गोश्त जो है वो एकदम परफेक्टली गल गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे कोरमे का कलर बहुत ही बढ़िया आया है और हमारी जो ग्रेवी की थिकनेस है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच केवड़ा वाटर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको अगर ये फ्लेवर पसंद हो तो ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी भी क्रश करके डाला था, जो कि मैं आपको बताना भूल गई। फाइनली हम इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म इस कोरमे को नान या चावल के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारे कोरमे की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।